हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और म्यूज़िक सिस्टम, सोनी का ही MHC-V71D। आइए देख लेते हैं किस तरीके का इसका ओवरऑल लुक है और कैसा यह दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऊपर जो है इसका पैनल दिया हुआ है, टच पैनल है, पूरी तरह फैदर टच पैनल है और स्प्लैश प्रूफ पैनल दिया गया है इसमें। सामने की तरफ ये दो ही बटन दिए गए हैं, जो कि एक पावर का है और दूसरा एक टाइको फीचर है। इस टाइको फीचर के बारे में भी फ्रेंड्स मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है टाइको फीचर। और इसके साइड में यह फीचर कार्ड दिया हुआ है, जिसमें कि कुछ इसके फीचर्स मेंशन करे गए हैं, आप देख लीजिए। और इस पर जो है, देखिए, टाइको फीचर के बारे में बता रखा है और 360 डिग्री लाइटनिंग दी गई है इसमें। और फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से सामने से इसका लुक दिखाई देता है, जिसमें कि नीचे एक सब वूफर दिया हुआ है, उसके ऊपर दो स्पीकर और उसके ऊपर दो ट्यूटर दिए गए हैं। सामने सोनी की बैजिंग दी गई है, काफ़ी जानदार। और यहाँ पे जो है DVD का ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रे दी गई है। और ये इसका टॉप पैनल है फ्रेंड्स, देख लीजिए किस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ, हाँ, यहाँ पर ये इसका जो है USB दे रखा है, जहाँ पर आप पेन ड्राइव वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही बगल में दो ऑप्शन दिए हुए हैं माइक के, इनमें दोनों में आप एट ए टाइम माइक लगा सकते हैं, या फिर आप एक में माइक और एक में गिटार यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में ही। और इसके अलावा कुछ और यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, इन्हें भी हम चेक कर लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करते हैं। और नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पावर का बटन दिया हुआ है, बगल में ही टाइको का बटन दिया हुआ है। इसको हम सिंगल क्लिक करके टाइको ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे अलग अलग लाइट्स में अलग अलग चार पोर्शन बन गए हैं, जिनमें कि हम टाइको यूज़ कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद इसमें जो है, अगर हम इसे डबल क्लिक करते हैं, तो इसमें जो है ये टाइको फीचर ऑफ हो जाता है इसका। तो चलिए दोस्तों, आगे इसमें जो और कीज़ दी गई हैं, टच कीज़, इसमें बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊपर जो है ये पार्टी चेन और पार्टी लाइट के लिए दी गई है। इसके बगल में फीस्टा और वायरलेस चेन और मेगा बास का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आपको। यहाँ पर आप कॉल भी अटेंड कर सकते हैं इससे। और ब्लूटूथ के लिए भी दे रखा है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो पेयरिंग मोड पर चला जाता है ये। और गेस्चर ऑन ऑफ का भी दे रखा है इधर बगल में फंक्शन का। और प्ले और स्टॉप का बटन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें। इसके अलावा इसमें प्लेबैक के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि आपका प्लेबैक है, DJ है, सैम्पलर है और कराओके है। और इसमें आपको जो है ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि किस तरीके से आप किस गेस्चर को यूज़ करके आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग मोड पर। जैसे मैं अगर इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करता हूँ, तो उसमें किस तरीके से वर्क करेगा, और लेफ़्ट से राइट में करने में क्या वर्क करेगा, अप और डाउन अगर मैं मूव करता हूँ अपने हैंड को, तो किस तरीके से गेस्चर वर्क करेंगे, ये दिखाई देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से मैं अपनी उंगली रोटेट कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस वर्क कर रही है। ये भी बहुत अच्छा गेस्चर दे रखा है इसमें। एक तरीके का फ़न फीचर दिया हुआ है फ्रेंड्स ये सोनी की तरफ से, जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करता है देखने में। इसके अलावा और कुछ कीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर ट्यूनिंग का दिया हुआ है, नेक्स्ट फॉरवर्ड का। और यहाँ पर हमारे को जो है एक ओपन और क्लोज के लिए ट्रे मिल जाती है, एक बटन दिया हुआ है इसका। इसके अलावा वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, इसका ऑप्शन दिया हुआ है साउंड फील्ड का। और इसके अलावा ये पेन ड्राइव के फोल्डर्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ये माइक और गिटार के लेवल के लिए दिया गया है। उसके अलावा वोकल फेडर, माइक इक्वलाइजर और जो है गिटार और वॉइस चेंजर, इसके भी इसमें कीज़ मिल जाती हैं आपको, जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो ज़रूर से इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें फ्रेंड्स मेरी वीडियो को। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके टाइमली। और आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कुछ इसके बैक पैनल के बारे में कि किस तरीके से इसका बैक पैनल दिखाई देता है, कैसा शो करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नीचे यहाँ पर पावर कॉर्ड लगाने का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही ट्रॉली के लिए दो इसमें व्हील्स दिए गए हैं। काफ़ी हैवी होने की वजह से आप इसे जो है एज ए ट्रॉली की तरह इसे मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। साइड में जो है एक इसमें स्टिकर दिया गया है, जिसमें कि इसका मॉडल नंबर वगैरह मेंशन किया गया है। और यहाँ पर इस पर कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए इन्हें भी देख लेते हैं एक बार, जिसमें कि आपको वीडियो आउट और ऑडियो इन और ऑडियो आउट का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ FM एंटीना के लिए सॉकेट मिल जाता है। इसके अलावा HDMI आउट और जो है TV ARC के लिए मिल जाता है, यानी कि इसमें जो है आपको ऑडियो रिवर्स कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी ARC के थ्रू, आप इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से इसका बैक पैनल दिखाई देता है फ्रेंड्स। और इसमें आपको दिखाते हैं कि इसमें लाइटनिंग किस तरीके से वर्क करती है। इसमें जो है 360 डिग्री लाइटनिंग दी गई है, तो देखिए इस तरीके से नीचे आपको दिख पा रहा होगा, उजाला होने की वजह से थोड़ा सा कम दिखाई देगा आपको, फिर भी आप रिंग्स देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें ब्लू और रेड कलर के रिंग्स आपको दिख रहे हैं।
ये एक्चुअली रात के समय पे एक तरीके का माहौल बना देते हैं, ताकि आपको डीजे पे डांस फ्लोर जिस तरीके से दिखाई देता है चमकता हुआ, सेम वैसे ही ये भी डांसिंग लाइट की तरह इफ़ेक्ट देता है, और ताकि आपकी पार्टी जो है धमाकेदार बन जाती है। तो फ्रेंड्स यही है इसके कुछ लाइटनिंग वाले फ़ीचर्स। और आइए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसमें टाइको फीचर किस तरीके से वर्क करता है। टाइको फीचर्स के लिए मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ एक बार टाइको ऑन करके, कि किस तरीके से जो है इसमें टाइको फीचर्स में आपको जो है अलग अलग चारों ऑप्शंस में जो है साउंड सुनाई देती है। एक बार आप फील कीजिएगा फ्रेंड्स कैसी लगती है आपको। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको यह वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और मेरी यह मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो बने रहें दोस्तों GSP Tech चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।